स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि नवंबर के अंदर जो हम लोगों का टर्म वन का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके लिए हम लोग एक रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद हम वहां पर एमसीक्यू भी करेंगे। तो हम लोग अपना जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके साथ, वो हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि फंडामेंटल्स का ही पार्ट है लेकिन आपके बुक्स में अलग से दिया गया है। आप चाहे टीएस ग्रेवाल को फॉलो करें या डीके गोयल फॉलो करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जल्दी से, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद हम लोग टीएस ग्रेवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग उसके एमसीक्यू भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलो बच्चों। तो जैसा मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया कि गुडविल क्या है, अब किसी भी फर्म के लिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए हम गुडविल किसको बोलेंगे, गुडविल क्या होती है, तो सिंपल टर्म्स में हम एक सिंपल सी बात याद रखेंगे। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब है बेटा किसी भी फर्म की रेपुटेशन, इमेज। तो कोई भी फर्म जो मार्केट में काम कर रही है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो मार्केट में काम करती है, बहुत टाइम से काम करती है, तो धीरे धीरे उसकी इमेज बिल्ड होती है उसके कस्टमर्स की नज़र में, मार्केट की नज़र में। तो होता क्या है बेटे, जहां पर हमारी गुडविल क्रिएट हो जाती है, जिस फॉर्म की गुडविल मार्केट में क्रिएट होती है, तो जो उसके कस्टमर्स होते हैं वो उस फॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं, रिटेन रहते हैं। मान लेते हैं आपके घर के पास एक समोसे वाले की दुकान है, आप लोग वहां से समोसा खरीद के लाते हैं कभी कभी। अगर उसके समोसे का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, एक ब्रांड, एक गुडविल एक जनरेट हो रही है आपके माइंड में कि भाई हमें अगर समोसा खाना है तो हमें उसी शॉप पे जाना है। यानी आप लोगों को बार बार उस समोसे वाले की गुडविल उसकी दुकान तक लेकर जा रही है। तो बेटे गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल सिंपल सी बात, गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन होती है, एक इमेज होती है, जिससे कि ओल्ड कस्टमर्स फर्म के पास बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखें, गुडविल मीन्स गुड नेम, रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क। फर्म ने बहुत हार्ड वर्क किया अपने पास में जब फर्म स्टार्ट हुई है, अपनी ऑनेस्टी से काम किया प्रोडक्ट को लेकर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर, ऑफ इट्स ऑनर्स। इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, अगर कोई भी फर्म अपनी अच्छी सर्विसेज कस्टमर को रेंडर करती है, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड विद कम अगेन एंड द फर्म विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर फर्म की गुडविल अच्छी है, फर्म की रेपुटेशन अच्छी है, फर्म का एक अच्छा नाम है, तो जो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, वो उस फर्म के पास बार बार आते हैं। बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो फर्म ऑनेस्टी के साथ अपने कस्टमर्स को वेल प्रोडक्ट बेच रही है, अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, कोई कंप्लेंट है तो उसको भी सुन रही है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। बेटे आप इस बात को भी समझे, मान लेते हैं दो फर्म है ए और बी। ए फर्म की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, लोग ए फर्म को पसंद करते हैं, बी की उतनी अच्छी गुडविल नहीं। तो आप खुद ही कंपैरिजन करें, आप खुद ही समझें कि ए और बी की अगर मैं सेल्स को कंपेयर करूं, ए और बी की अगर मैं प्रॉफिट्स को कंपेयर करूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्म ए है, जिसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन है, जिसकी मार्केट के अंदर अच्छी इमेज है, तो बेटे फर्म ए एज कंपेयर टू फर्म बी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में एबल है, उसकी सेल्स ज्यादा है इसलिए उसके प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म बी 5 रुपए का समोसा बेचती हो और फर्म ए उसी समोसे को जो बेच रही है वो 7 रुपए का बेचती हो, एक्स्ट्रा 2 रुपए ले रही है कस्टमर से। वो एक्स्ट्रा 2 रुपए लेने के लिए भी सक्षम क्यों है, वो एबल क्यों है? क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल है, मार्केट में उसका एक नाम है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन है, तभी यहां पर लिखा है। Thus, goodwill is the value of the reputation of a firm, कि firm की reputation है, which enables, जो कि इस बात को सक्षम करती है, it to earn higher profits, कि वो firm higher profits earn करे, किसके comparison में बच्चों, with the normal profits earned by the other firms, कि कोई दूसरी firm जितना profit कमा रही है, हम उससे ज्यादा normal profit earn कर सकते हैं। तो ये goodwill का starting का concept हुआ, जो मैंने आपसे class में discuss किया था, उसको मैंने आपको जल्दी से रिवाइज करवाया है। आगे चलेंगे बच्चे गुडविल की डेफिनेशन के अंदर।
ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करवाई थी कि गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, कि जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं वो बार बार हमारे पास आते जा रहे हैं, वो हमारी गुडविल की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने हमारी शॉप पर, हमारी फॉर्म पर आते हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारा ओल्ड कस्टमर्स हमारे पास ही बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। बेटा ये गुडविल है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, इंटेंजिबल एसेट है बेटा जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है बेटा किसी भी फॉर्म के लिए, अगर किसी भी फॉर्म की गुडविल है तो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है कि मार्केट में लोग उसके नाम से उसको जानते हैं, फॉर्म के नाम से, फॉर्म के प्रोडक्ट से हर कोई पहचानता है, तो किसी भी फॉर्म के लिए वैल्यूएबल एसेट का काम करती है। गुडविल इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि फॉर्म ए भी समोसा बेच रही है, फॉर्म बी भी समोसा बेच रही है, लेकिन ए शॉपकीपर बी शॉपकीपर के कंपैरिजन में 7 रुपए का बेच रहा है, उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है मार्केट से, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, बेटे मार्केट के अंदर गुडविल के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, वो फ्लक्चुएशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप लोग मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टी से काम करते जाएंगे, आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कस्टमर की सारी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, कस्टमर आपकी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता है, उसको लगता है नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर देते हैं, तो बेटे आपकी गुडविल मार्केट में स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं ना, कस्टमर आपसे थोड़ा थोड़ा डिससेटिस्फाइड होने लगा, तो आपकी गुडविल फ्लक्चुएट मार्केट में करेगी, आपकी गुडविल फ्लक्चुएट हो रही है। ओके सर, बेटे गुडविल का नेचर की बात करें, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच बेटे, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल कोई भी काल्पनिक एसेट नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, ऐसा नहीं आपने कुछ इमेजिन करा और गुडविल बना दी, नहीं बेटा फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू, whereas goodwill has a value in case of profits making concern, fictitious assets की कोई value नहीं होती है बेटे। लेकिन हम तो यहाँ आपको सिखाने वाले कि goodwill की valuation कैसे की जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि goodwill it is an intangible asset, goodwill is not an fictitious asset। Okay sir, next point देखेंगे बेटे, हम यहाँ पर उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी भी फर्म की गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी आपको अच्छे से पढ़ाया है, आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुडविल के यहाँ पर हम उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जो किसी भी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन। बेटे ए और बी दो पार्टनरशिप फर्म है, या दो फर्म है अलग अलग। ए एक प्राइम लोकेशन पर है जहाँ पे कस्टमर्स को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। बी फर्म एक ऐसी जगह पर है जहां पे कस्टमर्स को पहुंचने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्राइम लोकेशन पे नहीं है, वहां पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग कुछ सोचो बेटे, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, यार ए के पास चलते हैं। ए के पास क्यों चलना है? ए के पास इसलिए चलना है क्योंकि वहां पर हम इजिली एक्सेस है, इजिली पहुंच पाएंगे, हमें पार्किंग फैसिलिटी मिल पाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी के पास कौन जाए, भले ही बी हमारे घर के पास हो, लेकिन हम बी के पास नहीं जा रहे हैं, क्यों? वहां पर एक्सेस करना मुश्किल है, बहुत भीड़ है, प्राइम लोकेशन पे जगह नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो फर्म एक प्राइम लोकेशन पर, जो बिजनेस एक प्राइम लोकेशन पर है जहां पर इजीली एक्सेस हो जाता है, तो बेटे वो अपनी लोकेशन का मार्केट में फायदा लेता है और उस लोकेशन की वजह से किसी भी फर्म की गुडविल इंक्रीज हो जाती है। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट एंड प्रोमिनेंट प्लेस, एक कन्वीनियंट प्लेस पर इजिली एक्सेस है, प्राइम लोकेशन पर, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। तो जो मैंने यहाँ पर ए फर्म का एग्जांपल लिया, ए ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वहां पर पहुंचना आसान है बेटे, उसकी लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन है, इतनी प्राइम जगह पर है, मेन मार्केट में है कि आपसे बता दें साहब आप वहां तक पहुंच जाए, कस्टमर इजिली खुश होते होते वहां पहुंचेगा क्योंकि लोकेशन इतना अच्छा है, प्राइम लोकेशन पर है, उसको कन्वीनियंट है वहां पे जाना, उसको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ऐसे बिजनेसेस जो प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं, कन्वीनियंट होता है कस्टमर्स तक वहां तक पहुंचना,
तो बेटे उसकी गुडविल अदर फॉर्म्स की गुडविल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बेटे, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बेटे मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, मैनेजमेंट पॉलिसीज अच्छी है, मैनेजमेंट कस्टमर्स के लिए काम कर रहा है, मैनेजमेंट कस्टमर्स को देखकर काम कर रहा है, तो बेटे ऐसी फर्म्स ऐसे बिजनेसेस जहां पर मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली काम करता है, जहां पे मैनेजमेंट अपनी इफेक्टिवनेस को शो करता है, अपनी एफिशिएंसी को शो करता है, वहां पे गुडविल फर्म की ज्यादा होती है। इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपकी जो मैनेजमेंट है बहुत एक्सपीरियंस है, उसको काम करने का तजुर्बा है, एफिशिएंसी से काम हो रही है, तो इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, उसके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे होंगे, कस्टमर वहां पर सेटिस्फाइड है, मार्केट वहां पे सेटिस्फाइड है, हमारे सप्लायर सेटिस्फाइड है, यानी मैनेजमेंट इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है कि उससे हर कोई खुश है। बेटे जैसे ही मैनेजमेंट की एफिशिएंसी सामने आती है, हमारी सेल्स ज्यादा होती है, हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स के ज्यादा होते ही फर्म की गुडविल क्या कर जाती है बेटे, फर्म की गुडविल इंक्रीज करता है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट बेटे, द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बेटे आपका बिजनेस जितना पुराना है, आपका बिजनेस मार्केट में जितना पुराना है, जितने टाइम से काम कर रहा है, उतना लोग आपके बिजनेस को जानते हैं। मान लो बेटे दो फर्म की बात करें, ए और बी। ए फर्म कह रही है कि हम तो इस बिजनेस में 40 ईयर से, इस मार्केट में 40 साल से काम कर रहे हैं। बी कह रहा है साहब मेरे को तो अभी 5 साल हुए। आप लोग यही समझ जाएंगे कि जितना बिजनेस ज्यादा टाइम से काम करेगा, उसको मार्केट में लोग 40 साल से जानते हैं, 40 साल से वो प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, खड़ा होकर उसकी शॉप है, हर कोई उसको पहचानता है। तो बेटा जितना ज्यादा ओल्ड बिजनेस होगा, उतना ही कस्टमर्स के लिए वो बेटर शो होता है कि साहब वो 40 साल से वहां पर है, उसकी मार्केट में इमेज बनी हुई है, सारे कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं, ये भी नया बिजनेस कर रहा है 5 साल में बिजनेस करते करते। तो साहब जितना बिजनेस पुराना होता है, जितना लॉन्गेविटी ज्यादा होती है, जितना ओल्ड बिजनेस होता है, कस्टमर्स की नजर में उसकी वर्थिनेस, उसका ट्रस्ट लेवल ज्यादा होता है, यानी उसकी गुडविल ज्यादा होती है। Therefore, it is likely to have more goodwill. An older business is better known to its customers. When a business enterprise has built up good reputation over a period of time, the number of customers will be more in comparison to the customer of new entrants. Number of customers is an indicator of profit earning capacity of a business. कि जितने ज़्यादा customers होंगे, उतना ज़्यादा profits कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी sales ज़्यादा हो रही है। आपकी सेल्स ज्यादा है, आपके प्रॉफिट ज्यादा है, अल्टीमेटली आपकी गुडविल मार्केट में ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेचर ऑफ गुड्स। इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज, इट विल हैव स्टेडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दीज गुड्स विल बी स्टेबल, सच बिजनेस विल हैव मोर गुडविल। बट इफ इट डील्स इन फैंसी गुड्स, इट्स प्रॉफिट विल बी अनसर्टेन एंड एज सच द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। आप ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं, आप ऐसे कंज्यूमर गुड्स में डील कर रहे हैं जिसकी डेली डिमांड है बेटे, मॉर्निंग से इवनिंग तक वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड चलती रहती है, वहां स्टेडी प्रॉफिट्स होते हैं, स्टेबल प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं, कस्टमर को लेने लेना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड हर किसी घर में आती है, तो ब्रेड हर किसी घर में यूज हो रही है, हो सकता है दिन में 2 बार भी ब्रेड कंज्यूम हो रहे। तो बेटे ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर नेचर में है, डेली यूज के गुड्स हैं, उस बिजनेसेस की, उन बिजनेसेस की गुडविल ऐसे बिजनेस की गुडविल से, एज कंपेयर टू ऐसे बिजनेस की गुडविल से जो फैंसी गुड्स बेचते हैं। बेटे फैंसी गुड्स मार्केट में चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ, गुड्स की डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है, उनके अनसर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं। तो ऐसे गुड्स, ऐसे बिजनेस जो फैंसी गुड्स में डील कर रहे हैं, उनके मार्केट के अंदर आने वाले प्रॉफिट अनसर्टेन। तो बेटे अनसर्टेनिटी अगर प्रॉफिट्स में है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स में भी अनसर्टेनिटी है, और अगर सेल्स में अनसर्टेनिटी है तो गुडविल में अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना बेटे। तो हमें क्या याद रखना है कि जो गुड्स डेली यूज के होते हैं, एज कंपेयर टू फैंसी गुड्स वाले बिजनेस, उनकी गुडविल ज्यादा होती है। ओके सर, बेटे पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपकी फर्म के पास लाइसेंस है, आपके बिजनेस के पास कोई लाइसेंस है, चाहे गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिला है, और एक ऐसी फर्म जो विदाउट लाइसेंस काम करेगी, आप खुद देखो बेटा किसकी गुडविल ज्यादा है। इफ अ फर्म होल्ड्स एन इंपोर्ट लाइसेंस, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अदर फर्म्स टू एंटर द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइसेंस। कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी एक फर्म को गुड्स बनाने के लिए एक लाइसेंस दिया हुआ, तो बेटे उसकी तो मोनोपोली हुई, और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी,
मोनोपोली क्रिएशन के, इमरजेंस ऑफ मोनोपोली के कारण क्या होते हैं कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कर देती है। अगर गवर्नमेंट मुझे कोई लाइसेंस दे दे और कहे साहब इन गुड्स को बनाने का अधिकार सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, तो बेटे इन गुड्स को बनाने का अगर अधिकार सिर्फ मेरे पास आ जाए, लाइसेंस मेरे पास आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी मार्केट में मोनोपोली आ गई और कोई उस मार्केट में एंटर कर ही नहीं सकता। जब और कोई उस मार्केट में एंटर करेगा ही नहीं बच्चों, तो उसकी गुडविल क्रिएट कहां से होगी? तो अगर मेरे पास लाइसेंस है तो मेरे पास गुडविल है, मेरे पास लाइसेंस है क्योंकि मैं मोनोपोली मार्केट में आ चुका हूं। तो इफ अ फर्म होल्ड्स एन इंपोर्ट लाइसेंस द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर दिस बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइसेंस। नेक्स्ट वन, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। इफ अ बिजनेस एंजॉय मोनोपोली मार्केट इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट्स। सिमिलरली इफ इट होल्ड्स सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशन एक्सेट्रा, इट विल हैव मोर गुडविल। इंडियन रेलवेज, दिल्ली मेट्रो मोनोपोली मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके अलावा और कोई ट्रेन इंडिया में चला ही नहीं सकता। आप बताओ इंडियन रेलवे के अलावा कौन सी रेल इंडिया में जा रही है? भारतीय रेल ही चल रही है बेटे, मोनोपोली है मार्केट के अंदर। तो ऐसी चीजें जहां पे आपके सिंगल प्रोड्यूसर हैं आपकी मोनोपोली मार्केट में, तो आपकी गुडविल मार्केट में ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ऐसे बिजनेस जिसके यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है, चलो मान लो हम ए फर्म की बात कर लेते हैं। ए फर्म ने 2010 के अंदर एक प्रॉफिट कमाया, बेटे 2011 में उसने फिर प्रॉफिट कमाया, 2012 में उसने फिर प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहे हैं। मान लो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जब किसी भी फर्म के प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलेंगे तो उसका मतलब क्या है, उस फर्म की गुडविल ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहे, यानी कस्टमर्स वहां जाना पसंद नहीं कर रहे, सेल्स ज्यादा नहीं हो रही, सेल्स ज्यादा नहीं, प्रॉफिट्स ऑब्वियसली कम होते जाएंगे। अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसकी गुडविल कम हो रही। नेक्स्ट देखें बच्चों, हमारे पास बेटे दो तरह की गुडविल, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम लोगों को सिंपल सी बात याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए कि परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है, उसकी एक वैल्यू होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट रेफर टू इज परचेज गुडविल। मान लेते हैं बेटे ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस की नेट एसेट्स या नेटवर्क 20 लाख रुपए, और बेटे इस बिजनेस को परचेज करने के लिए आ गया रामलाल, और रामलाल ने इस बिजनेस को परचेज करने के लिए 30 लाख रुपए दिए। बेटे 20 लाख रुपए इसकी वैल्यू, दिए गए 30 लाख, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए दिए गए बच्चों, ये एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए किस चीज के लिए दिए गए? सर गुडविल के। इसको कहा जाता है परचेज गुडविल, कि बिजनेस की नेट एसेट तो 20 लाख है और हम उस बिजनेस को परचेज करने के लिए 30 लाख रुपए दे रहे हैं। तो बेटे जब हम लोग 20 लाख रुपए की चीज को 30 लाख रुपए देके खरीद रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसा किस चीज के लिए दे रहे हैं? सर उसको कहा गया गुडविल। ओके बेटे, नेक्स्ट देखिए, इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमने उसके लिए पैसा पे किया होता है। हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एज एन एसेट, और गुडविल बेटे एमोर्टाइज होती है। हमने आपके बचपन में 11th क्लास में बताया था इंटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि 10 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए बेटे, मान लो ये 10 साल का टाइम पीरियड है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हर साल 1-1 लाख रुपए अपनी बुक से राइट ऑफ करते जाएंगे। इसको कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। बेटे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं, इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम करते हैं तो आपको लगता है आपकी मार्केट में गुडविल आ गई, आप सेल्फ जनरेट करते हैं। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस, यहाँ पर ट्रू कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते हैं,
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स पे बात करता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। हमने ऐसी गुडविल के लिए जो सेल्फ जनरेटेड है, हमने उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करा ना हमने उसको खरीदा है थिंग्स, तो बेटे हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपको पहले भी बता रखा है पढ़ाते वक्त, आज हम आपको रिविजन के टाइम भी बता रहे हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके बेटे, अब आता है कि सर हम गुडविल को कब कब वैल्यू करते हैं, गुडविल कहाँ कहाँ वैल्यू की जाती है, गुडविल की वैल्यूएशन कहाँ कहाँ पर होती है। तो बेटे मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी बुक्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की जाएगी। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, 2:1 की उनकी रेशियो है जिसको ओल्ड रेशियो कहा गया। बेटे अब इनकी न्यू रेशियो 3:2 हो गई, तो ये रेशियो चेंज हो गई ना बच्चों, तो ओल्ड रेशियो थी अब ये न्यू रेशियो हो गई है, तो ओल्ड रेशियो 2:1 थी, न्यू रेशियो 3:2 हो गई, रेशियो चेंज हो गई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है बेटे, जब नया पार्टनर मार्केट में एडमिशन लेता है, बिजनेस में एडमिशन लेता है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया जा रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिशन दे दिया गया, एडमिशन हो गया। कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर या डेथ हो जाती है, मान लो बेटे ए बी सी तीन पार्टनर है, बी कहता है मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ, तो ए और सी रहे, हम तब गुडविल को वैल्यू करेंगे। ए बी सी तीन पार्टनर है बेटे, अनफॉर्चुनेटली सी की डेथ होगी, दो पार्टनर रह गए होंगे, हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म सोल्ड की जा रही है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसको बेचा जा रहा है बेटे दूसरी फॉर्म को, तो जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कोई दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म परचेज करेंगे, हम तो अपनी फॉर्म को बेचेंगे, तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। दो फॉर्म्स आपस में अमलमेट हो रहे हैं बेटे, ये फॉर्म है ए, ये फॉर्म है बी, अब ये दोनों फॉर्म मिलकर अपना नाम रख रही है ए बी, यानी दोनों एक साथ प्लस हो रहे हैं, दोनों को अमलमेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो बेटे अमलमेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये वो टाइम पीरियड होता है, ये वो टाइम है बेटे जहां पे हम लोगों को गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, हम एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी फॉर्म पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, फॉर्म को बेचा जा रहा है, या बेटे दो फॉर्म को आपस में अमलमेट किया जा रहा है। ओके, अब हम आते हैं अपने तीन मेथड्स में, गुडविल को वैल्यू करने के लिए तीन मेथड्स थे बेटे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैलकुलेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स हमने आप लोगों को समझाए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड मेथड है, और कैलकुलेशन मेथड थर्ड मेथड है। तो बेटे यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को तीनों मेथड्स के स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको हमने प्रैक्टिकल के टाइम पर ये स्टेप्स बताए भी थे, हमने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए थे। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, आप जब इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, तो आप प्लीज इस पीपीटीज को जरूर देखना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व होने से पहले। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 20,000, 30,000, 30,000, हमने तीनों प्रॉफिट को प्लस करा, 80,000 डिवाइडेड बाय 3, जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे लिए। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया था बेटे, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मान लो ए और बी दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, और ये कुछ टाइम के बाद सी को एडमिशन देते हैं अपनी फॉर्म में, तो बेटे सी ए और बी से कहता है कि अगर आप दोनों ने जो पिछले 10 साल के अंदर बिजनेस किया, अगर आप आज अपना बिजनेस बंद करके मेरे को दे रहे हो या मेरे को एडमिशन दे रहे हो, तो आप मेरे को ये बताओ कि जो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं वो कितने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे, वो कितने टाइम तक हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रोटीन में आते रहे। यानी अगर मैं आज एडमिशन ले लेता हूँ, सी कह रहा है मैं अगर आज एडमिशन ले लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आपके ओल्ड कस्टमर जो आपकी मेहनत से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी गुडविल से आपके साथ जुड़े हैं, वो कस्टमर्स कितने टाइम तक हमारे पास वापस रिटेन रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बेटे उसको कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके ठीक है बेटे।